हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ एक स्नैक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको मैंने बैगन से बनाया है। भज्जी भी बोलते हैं इसको। इसको आप स्नैक की तरीके से या फिर दाल चावल बनाते हैं कभी तो उसके साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। जो भी इन्ग्रीडियंट मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो सारे आपके किचन में ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने ये बैगन लिया है। ये बड़ा वाला बैगन है जिसको मैंने बीच से कट कर लिया है और इस तरीके से इसको पतले पीसेस में काट लिया है। और अभी ये मैंने बेसन लिया है, ये हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट है, ये 1/4 गरम मसाला है टी स्पून, ये थोड़ा सा हींग, ये जीरा, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, ये सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, जिस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड ये थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स ना रहे हैं। इसी तरीके से और कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए, रनिंग ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। एंड इस तरीके से मैंने इसको डिप कर लिया है। इसी तरीके से डिप करके फिर इसको फ्राई होने के लिए डाल देंगे। गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और अच्छे से नहीं पकेगा। इस तरीके से इसको पलट पलट के सेंक लेंगे। और साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको और बड़ा साइज़ रखना है तो आप बीच से उसको कट मत करिए, बैगन को पूरा रख सकते हैं। और अगर इससे छोटा रखना है तो बीच इससे भी बीच से कट कर सकते हैं इस तरीके से। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। ये हो चुका है फ्राई, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। और इसको मैं अभी एक टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा वाइप ऑफ हो जाएगा इस तरीके से। लीजिए, आपके ये गर्मा गर्म स्नैक बन के तैयार हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर घर पे कोई आ भी जाता है तो भी आप विदिन 5 to 10 मिनट में इसको बना के उसको खिला सकते हैं और टेस्टी बहुत लगता है खाने में। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज़ एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।